अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्लाउड्स बड़े नाइस लग रहे हैं। जब भी कोई अफ्तारी होती है या इस तरह से कोई चीज़ होती है तो मैं झटपट ही सालों का जो है वो सिलेक्शन करती हूँ। तो आज का जो मेन्यू है वो है यखनी पुलाव, जिसके लिए मैं यखनी पुलाव के लिए एक पैकेट लेकर आई हूँ लजीज़ा का। और इसके बाद वाइट कढ़ाई बनाऊंगी और कोफ्ता कढ़ी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं फिर। और मीठे में यहाँ पर मैं बनाऊंगी लबे शीरी, और उसके लिए जो जेली है ये मेरे पास 3 कलर्स की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ही यहीं से स्टार्ट करूँगी, ताकि जो ये टाइम टेकिंग है ना, तो टाइम से ये आपके पास रेडी हो जाए। बहुत ही यमी कलर लग रहे हैं, और अब हम इसको करेंगे फ्रीज, और उसके बाद भी जब ये रेडी हो जाएगी तो आपको उसका फाइनल लुक दिखाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो प्याज है इनको बारीक बारीक पीस लेंगे। मैंने 4 प्याज को कट कर दिया था और उसमें से मैंने हाफ जो है वो कोफ्तों के अंदर डाल दिया। और इसके बाद 3 टेबल स्पून धनिया डाला था, और तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो हरी मिर्च, और इसके बाद तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने कोफ्ता मसाला डाला है इसमें। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कोफ्ते बनाने के लिए। मैंने हाथ की मदद से ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मीट बॉल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक टिप दूंगी इसके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मीट बॉल्स हैं ये टूटे नहीं पकाते हुए, तो आप इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कीमा लें, और रात के वक्त जो आपने अगर फ्रीज किया हुआ है और आप रात को निकाल दें और सुबह आप उसको बनाएंगे, तो वो कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप फ्रेश कीमा जो है वो यूज़ करें। और जी चेक करते हैं, यहाँ पर यखनी भी रेडी हो चुकी है मीट की। कोफ्ता मसाला जो था उसको मैंने थोड़ा सा पानी में डालकर पहले से ही रख दिया था, ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जो रगड़ है इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया था। इसमें जो प्याज थी वो मैंने डाल दी, प्याज को भी मैंने इसमें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए बस। ये तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें योगर्ट डाल दिए और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और अब इसके अंदर जो है वो कोरमा मसाला जो मैंने पहले से ही घोल के रखा हुआ था 1 पैकेट, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। 5 मिनट तक आपने इसको भून लेना है, और 1 by 1 आपने जो है कोफ्ते वो डालते रहने। और अब मैं वाइट कढ़ाई बनाने लगी हूँ। वाइट कढ़ाई के लिए मैंने नेशनल का जो है वाइट कढ़ाई का मसाला लिया, और इसमें सबसे पहले हमने ऐड करना है ऑयल। और ऑयल में मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 ग्रीन चिलीज, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ओके, 5 मिनट के लिए आपने इसको ब्राउन करना है। ब्राउन नहीं, जस्ट 5 मिनट इसको सोते करना है आपने, ठीक है। इसमें मैंने ना चिकन डाल दिया, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, और जैसे कोई दावत हो या कोई भी किसी किस्म का इन्विटेशन हो, तो इस किस्म की रेसिपी जो उनकी इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है, जल्दी रेडी हो जाती है। ये देखिए 5 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो गया, और अब मैं इसके अंदर जगर और बाकी जितने मसाले हैं इसके प्राइस ढाई सौ लगा। अब इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया, और इसको
इसको पकने दूंगी जब तक कि जो है चिकन है वो टेंडर ना हो जाए। मैंने यखनी पुलाव भी बनाना शुरू कर दिया और अफ्तारी के लिए मैंने ये वाला ड्रेस पसंद किया है पहनने के लिए। ये बहुत ही नफीस है और ऑर्गेन्जा नेट के ऊपर काम हुआ हुआ है, देखें बहुत ही नाइस है। और इसमें ये जो गले के ऊपर काम हुआ हुआ है बहुत ही हसीन लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ हुआ है। और ये इसके बाजू है, और ट्राउज़र है इसका ऑर्गेन्जा है, ये ऑर्गेन्जा नेट है और इसका ही ये ट्राउज़र है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी स्टिच किया गया है। और इसका जो दुपट्टा है वो बहुत एलिगेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी फुल लुक आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत है और स्पेशली कलर इसका बहुत नाइस है। ट्राउज़र पर भी बहुत ही नाइस से पर्ल लगे हुए हैं और इसके साथ एयररिंग्स मेरे ये हैं, बहुत ही प्यारे एयररिंग्स हैं। देखने में लग रहा है जैसे बहुत बड़े हैं लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट हैं। और ये जी मेरे कंगन हैं इसके साथ पहनने के लिए, ये भी बहुत ही नफीस हैं। और ये बैग है, पकड़ना तो मैंने है नहीं क्योंकि मैंने तो काम करना है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी हल्की सी लुक के लिए अगर मैं बाहर निकली हूँ लोगों के साथ तो इसको कैरी करूँगी। और घड़ी मेरी मस्ट होती है पहनने के लिए। और ये इसका दुपट्टा, और ये फाइनल लुक आ गई है सूट की। और देखते हैं फिर पहन कर कैसा लगता है। और मेरे जो बच्चे हैं वो और इनकी कजन्स मिलके आपस में स्ट्रॉबेरीज बना रही हैं, स्ट्रॉबेरी ट्राइफल बना रही हैं। आई थिंक ये स्ट्रॉबेरी ट्राइफल है या समथिंग लाइक डैट। तो इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े के चपली कबाब है, समोसे हैं, आलू की टिक्कियाँ भी है, जलेबी जमी जमी। और इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स वगैरह रखी है मैंने। और इसके अलावा यहाँ पर डोनट्स। कोई बात नहीं, ये मेरी सिस्टर आई हुई हैं, इनकी भी इफ्तारी है। शी इज़ लुकिंग सो प्रीटी, फेस नहीं दिखा रही हूँ मैं, डोंट परी, वो भाग गई है। मेरा ड्रेस है ये सना सा बिना उसका था, मारिया मारिया बी का था, मारिया बी का ड्रेस है ये। और नो डोंट वरी, फेस नहीं दिखा रही, आवाज़ आ रही है इसके पास। और ये जो है जी यहाँ पर स्टार्टर जो है अफ्तारी का वो रेडी हो चुका है और बस इंतज़ार हो रहा है कि किस वक्त अफ्तारी जो है हमारी ओपन होगी। ये वाला ड्रेस मैंने आसमा नबील का है, बाय किया था आसमा नबील का, बहुत ही खूबसूरत है।
ये सारा 3D का वर्क हुआ लुक। और ये टेसल्स मैंने खुद लगवाए थे यहाँ पे, और ऑर्गेन्जा ऐड करवाई थी। कट वर्क पहले सारा करवाया इधर, कट वर्क करवा कर और मैंने फिर ऑर्गेन्जा ऐड करवा के और यहाँ पर ये पैच लगवाया था। ये डिज़ाइनिंग मैंने खुद करवाई है और इसी तरीके से आप लोग भी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं सेम। और उस पर सारा 3D का वर्क है। और एक टसल मैंने यहाँ पर फ्रंट पे लगवाया था गले पे, और ये इसका बाजू है, इसके बाजू का स्टाइल है। और ये पहन कर बहुत ही एलिगेंट लगेगा। ईद के लिए ही बनवाया और अभी देखती हूँ मैं कि क्या होता है, इसकी क्या सिचुएशन बनती है। ईद के तो बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं। और बैक साइड से ये इस तरीके से है, क्लोज करें तो ये देखें, यहाँ बैक साइड पे भी मैंने इसी तरीके से कट वर्क करवाया सारा लुक। कट वर्क करवा कर फिर ऑर्गेन्जा लगाया। अगर आप चाहें तो आप एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और ख़ुद भी ये डिज़ाइनिंग करवा सकती हैं। ये देखें, और सबसे जो मज़े की चीज़ है वो उसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है। अच्छा जी, दुपट्टे पे की जो है बॉर्डर पे ना मैंने डबल यहाँ पर फ्रिल लगवाई थी, सॉरी यहाँ पर मैंने सिल्क है ये लगवाया शॉकिंग पिंक, और इधर ऑर्गेन्जा की फ्रिल लगवाई थी। बहुत ही ट्रेंडी लुक आ जाती है ये देखें, और सब जगह ही इसके पैचेज हैं दुपट्टे में। आसमान मिल के ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद हैं, और इस दफ़ा तो मैंने बहुत सारे ही ड्रेसेस ले लिए। अभी तो ये मेरी ईद की ही कलेक्शन है जो मैंने ड्रेसेस लिए ईद पे पहनने के लिए, और इनमें से फिर देखती हूँ कि कौन सा पहनूँगी मैं। और इसके साथ मैंने बहुत ही खूबसूरत सा खुसा लिया है, इसमें बिल्कुल सेम वही कलर लगे हुए थे जो इस ड्रेस में है। ये इयररिंग है बहुत ही नाइस और बहुत लाइट वेट। और ये कंगन है बहुत ही नफीस काम हुआ है विद ब्लैक स्टोन। ये मेरा एक और ड्रेस है, ये तवक्कल का है ड्रेस, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और दुपट्टे पे बहुत ही पहले से ही हसीन जो हैं वो ड्रेसेस लगे हुए थे, और गले पे भी बहुत ही नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी, बहुत ही खूबसूरत लुक। और लाइट सा जो है वो मिरर का भी वर्क हुआ हुआ है। मिरर का वर्क इस साल बहुत ही ट्रेंडी हुआ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फैशन में आया हुआ था। और ये इसका जो है बैक साइड है, बैक साइड पे क्रोशिया का वर्क हुआ हुआ है, और बाजू पे भी बिल्कुल एक बारीक सी लेस लगी हुई है, ये भी पहले से ही लगी हुई थी। और ट्राउज़र इसका प्लेन है, और ये इसका दुपट्टा, पूरे दुपट्टे पे इसके मिरर वर्क हुआ हुआ है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर ये देखिए ऐसे, के साथ मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं, बहुत ही नफीस हैं, बहुत ही लाइट वेट। और ये कंगन है, और ये मेरी घड़ी। तो ये मेरा सेकंड ड्रेस है ईद का, और देखते हैं फिर एट द एंड मैं कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ। ये एक और ड्रेस है, बहुत ही नफीस बना हुआ है ये बिना, और इसका जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा लूज स्टाइल में है, क्योंकि जो फ्रॉक है वो थोड़ी सी ऊंची है इसकी ना, आई थिंक इसकी जो लेंथ है वो है 35 इंचेस की या 34 इंच की, और इसके बॉर्डर पे बारीक सी लेस लगी हुई है। और यहाँ पेटी पे मिरर लगा हुआ है,
इसके साथ मैंने ये वाले एयरविंग्स और इसके साथ एक छोटा सा पेंडेंट है ये वाला मैंने यूज़ किया है, ये पहनूंगी इसके साथ, और ये वाली घड़ी, क्योंकि जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है, बैंगनी कलर है ये, और इसके साथ आई डोंट नो इस कलर को क्या बोलते हैं, आई थिंक सी ग्रीन कलर है ये। और ये जो है ये मेरा लॉन का ड्रेस है और बहुत ही ये भी खूबसूरत है, आसफा नबील का है ये, और इसका इसकी जो प्राइस है वो 6000 थी उस वक़्त जब मैंने इसको बाय किया था, और बहुत ही नफीस है। यहाँ पर एक इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, पैच लगा हुआ है बेसिकली, ये भी पैच है ये भी, और बाकी सारा प्रिंट है, और गले पे मैंने इस तरीके से ऑर्गेन्जा लगवा कर स्टाइल बनवाया था इसका, लेकिन इसकी जो सिलाई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा देनी पड़ी बिकॉज़ इसमें पैच बहुत था। दुपट्टे पे भी ये सब पैचेस लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, दुपट्टे पे भी ये सब पैच लगा हुआ है, और बीच में यहाँ पे ये जरी का काम हुआ हुआ है, और ये देखें ये भी पैच है। तो सिलाई के साथ ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया था ड्रेस, बिकॉज सिलाई इसकी इस वजह से ज़्यादा हुई थी क्योंकि इसमें पैच वर्क बहुत था। और ये इसका ट्राउज़र है, बहुत ही स्लिम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस सिला हुआ है। और ये जो ड्रेस है ये मारिया बी का है, और मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट ईयर का ड्रेस है, मैंने लास्ट ईयर स्टिच करवाया था लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला इसको पहनने का, तो ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने एक दफ़ा भी इसको वियर नहीं किया। मारिया बी में ज़्यादातर एक्सेसरीज वो लोग साथ ही देते हैं, बस आपने अपनी डिज़ाइनिंग खुद करवानी होती है। तो ये साथ में ट्राउज़र है, बहुत ही नाइस सिला हुआ है, और सारी ऊपर तक इसकी लेस गई हुई है, ये देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने अभी तक स्टिच नहीं किया, सॉरी वियर नहीं किया, आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा क्योंकि अभी तक ये टेलर की जो है निशानियाँ लगी हुई हैं। और इसकी जो है गले की डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही नफीस है ये देखें, बहुत ही नाइस एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, और मैंने ये ड्रेसेस खुद लगवाए, और बाकी ये सब प्रिंट है। ये इसका दुपट्टा है करंडी नेट का, और ये इस पे लैस थी, ये लैस इन्होंने साथ ही दी हुई थी, इसकी लैस मैंने नहीं बाय की है। ये इसके साथ बैग है, और ये मेरी वॉच है, और ये बहुत ही हसीन नेकलेस है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ। बहुत लाइट वेट, क्योंकि मैं ज्वेलरी बहुत लाइट वेट यूज़ करती हूँ, मुझसे पहनी नहीं जाती है। ये जो ड्रेस है ये मैंने आज ही बाय किया, और स्टैफर्ड रोड से बाय किया है मैंने इधर बर्मिंघम से ही। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, और जैसे ही मैंने इसको देखा और बस मेरी दिल की जो घंटी है उसने बोल दिया कि बस यही वाला ड्रेस जो है ये लेना है हर हालत में, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया क्योंकि ईद का है। और ये बहुत ही ज़्यादा नफीस, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके, ये देखें इसमें बहुत नफीस जरी का काम हुआ है, जरी की लैस लगी हुई है, और ये शरारा है बेसिकली, और ये इसका दुपट्टा, और दुपट्टे के पल्ले के ऊपर जो नीचे होता है इसका उस पर बहुत ही ये खूबसूरत सी गोटी का काम हुआ है,
साथ में इन्होंने ये फ्रिल लगाई हुई है। इस तरीके की डिज़ाइनिंग आप लोग खुद भी लॉन के ड्रेसेस पे कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बस हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो है स्टिचिंग वो इस तरीके से नहीं होती है जैसे पाकिस्तान में होती है। तो ये देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर कपड़ा लगा कर और यहाँ पर लेस लगा दिए। और ये जो ड्रेसेस हैं इस तरह के पाकिस्तान से बहुत ईजीली मिल जाते हैं। और ये फुल बड़ा दुपट्टा नहीं है, एक छोटा सा स्टॉल है। ये देखिए यही बस इसका बॉर्डर है। लुक और कैरी करना भी बहुत आसान है। मैंने ये बैग लिया है इसके साथ और ये शूज़ बहुत ज़बरदस्त मैच हो गए इसके साथ। और ये जी है पायल, पायल बिल्कुल टोटल ही जो है वो डिफरेंट कलर है क्योंकि गोल्ड कलर है और इसमें सारा सिल्वर काम हुआ है, लेकिन पायल तो मैंने पहननी है ज़रूर क्योंकि ये मैंने पहले से ही बाय की हुई थी। और ये जी मेरी बैंगल्स हैं, इसको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही नफीस काम हुआ है इस पर भी। ये देखें बहुत खूबसूरत है। और इसका ये देखें, इस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोग खुद करवा सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखें यहाँ पर भी लेग्स लगी हुई है। और ये इसके बाजू हैं, बाजू पर भी डबल कपड़ा डिफरेंट लगाकर और यहाँ पर आप लेस लगवा सकते हैं। ये जी मेरा नेकलेस है और एयर रिंग्स, यहाँ पे इन्होंने डोरी लगा के साइड पे, ये एक आर्टिफिशियल सी डोरी है, जस्ट लाइक इसको आप खींच नहीं सकते हैं, बस इन्होंने वैसे ही लगा दिए साथ में। और साथ में ये टेसल्स कपड़े के ही टेसल हैं जो इन्होंने इसी कपड़े के साथ बनाए हुए हैं। और इसके ऊपर गोटी लगाई हुई है, सिल्वर गोटा। ये जी पहनने के बाद इसकी फाइनल लुक ऐसे आएगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा ड्रेस कौन से वाला लगा, और आप मुझे बताइएगा कि मैं कौन से वाला ड्रेस पहनूं। तो ये तो थी मेरी ईद की कलेक्शन ड्रेसेस की जो मैंने बाय किए हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपको समर कलेक्शन दिखाऊँगी और इसके अलावा अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ आपके पास आऊँगी।